बीच विस्तार में नुपुर। तो आइए देखते हैं आज की बॉलीवुड अपडेट्स। करण जौहर की फिल्म से जुड़े सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान सुपरस्टार्स के साथ करेंगे काम। फिल्म मेकर करण जौहर ने हाल ही में अनिल कपूर की भतीजी शनाया कपूर को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही अब खबरें ये है कि एक और स्टार के जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने को तैयार है और वो और कोई नहीं बल्कि सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान हैं। इब्राहिम भी करण की फिल्म से जुड़े हैं। हालांकि इब्राहिम इस फिल्म में एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, करण की अगली फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे। शाम को देख प्रियंका सिंह को आई भाई सुशांत की याद। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को 9 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी उनकी बहनें अक्सर अपने इकलौते भाई को याद कर इमोशनल हो जाती है। हाल ही में सुशांत की बहन प्रियंका सिंह ने चांद को देखते हुए उन्हें याद किया। प्रियंका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर चांद की फ़ोटो शेयर की जिसमें लिखा था, SSR तुम्हारे साथ चांद को देखना हमेशा आश्चर्यजनक और आनंद भरा होता था। अब ये दिल के दर्द को कुरेदने की चीज़ बन गई है और मैंने सोचा था कि खूबसूरत चीज़ें हमेशा खुशी देती हैं। CBI पर उम्मीद है, बेसब्री का इंतज़ार है। एक्टर एजाज खान को NCB ने किया अरेस्ट। एक्टर एजाज खान अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एजाज एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार मामला ड्रग्स से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्टर एजाज खान को ड्रग्स केस में हिरासत में ले लिया है। वेकेशन मनाने मालदीव्स पहुंची माधुरी दीक्षित, सोशल मीडिया पर की फोटो शेयर। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है। वो आए दिन अपने सोशल मीडिया पर नए नए पोस्ट शेयर करती रहती है। इसी बीच माधुरी छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंची है, जहां से उन्होंने अपनी एक ऐसी फ़ोटो शेयर की है जो उनके फैंस के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं है। इस फोटो को देखने के बाद फैंस एक बार फिर माधुरी के दीवाने बन बैठे हैं। इस फोटो में वो बेहद ही कमाल की लग रही है। डिलीवरी के 2 महीने बाद काम पर लौटी अनुष्का शर्मा, सेट पर खुश और एक्साइटेड नजर आई अनुष्का। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा डिलीवरी के 2 महीने बाद काम पर लौट आई हैं। उन्हें एक एड शूट के दौरान एक सेट पे स्पॉट किया गया। इस दौरान वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड दिखाई दी। उन्होंने कहा है कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इक्वली बैलेंस करने वाली है। अनुष्का शर्मा आने वाले दिनों में कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए लगातार शूटिंग करने वाली है। तो ये थी आज की बॉलीवुड अपडेट्स। देखते रहिए वीडियो विस्तार।